जोजो किड्स। खट्टे अंगूर। एक लोमड़ी थी जिसका नाम था सोना। वो जंगल में रहती थी। एक बार गर्मियों के दिनों में कुछ दिन तक उसे कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। वह भूखी प्यासी परेशान गर्मियों के दिनों में इधर उधर घूम रही थी। वह बीमार थी इसीलिए शिकार भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई दिन से उसे अच्छा भोजन जो नहीं मिला था। भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा, कुछ भी खाने को मिल जाए अब तो वही बहुत है। थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी तभी आगे बढ़ पाऊंगी। बहुत भूख लगी है, हे भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर कुछ फल लगे थे। उसने उचक कर देखा। बहुत ध्यान से देखने पर उसे दिखा कि पेड़ पर मीठे मीठे अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। वह पेड़ के नजदीक गई। उसने नजदीक जाकर देखा तो अंगूर बहुत ऊपर लगे हुए थे। दूर से तो वो बहुत नीचे दिखाई पड़ रहे थे। अंगूर तो काफी ऊपर लग रहे हैं, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। जान तो है नहीं शरीर में, कोशिश करती हूँ। अभी तो जवान हूँ, बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ कि एक छलांग लगाकर इन सारे अंगूरों को खा जाऊंगी। लोमड़ी ने झट से एक ही छलांग में अंगूर लेने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। तेजी से नीचे गिर पड़ी। बार बार कोशिश करने पर भी लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए, क्योंकि वे बहुत ऊपर थे। जब भी लोमड़ी छलांग लगाती उसके हाथ कुछ नहीं लगता, खाली हाथ उसे नीचे गिरना पड़ता। जब बार बार ऐसा होता चला गया तो बेचारी लोमड़ी ने हार मान ली और कहा, ये अंगूर तो मुझे वैसे भी दूर से खट्टे ही लग रहे हैं, इन्हें जाने ही देती हूँ। खट्टे अंगूर खा के क्या फायदा, मैं तो देखते ही समझ गई थी ये खट्टे हैं। लोमड़ी खाली हाथ वहाँ से आगे बढ़ गई खाने की तलाश में, पर वह लगातार यही कहती रही कि ये अंगूर खट्टे थे। एक तालाब में ईना, मीना और डीका नाम की तीन सुंदर मछलियाँ रहती थीं। वो तीनों आपस में मिलजुल कर रहती थीं, क्योंकि वो तीनों आपस में बहुत प्यार करती थीं, अच्छी दोस्त थीं। एक दिन कुछ मछुआरे उनके तालाब के पास आते हैं और देखते हैं कि तालाब तो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियों से भरा पड़ा है। मछुआरे लालच में आ जाते हैं। वे आपस में बातें करते हैं। दोस्त, यहाँ तो बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, हम कल सुबह ही आकर इनको पकड़ेंगे। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, इतनी सारी बड़ी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ, अरे मजा आएगा बाजार में बेचने पर, हमें अच्छे दाम मिलेंगे। ईना, मीना और डीका तीनों मछलियाँ मछुआरों की इन बातों को अच्छे से सुन लेती हैं। कल सुबह तो मछुआरे हमें पकड़ने आ रहे हैं, इस तरह से तो हम सब मर जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। वो हमें पकड़े इससे पहले अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़ना होगा, कहीं और जाना होगा, क्योंकि हम सबके लिए इस तालाब में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, हम सबकी जान खतरे में है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हुई ना, मैं भी तुम्हारे साथ इस तालाब को छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। ईना और मीना तालाब छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु डीका इस बात से इनकार करती है और कहती है, कुछ मछुआरों की बात सुनकर हम यहाँ से नहीं जा सकते, मेरी तो यही सलाह है कि हमें यहीं रहना चाहिए और हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। मछलियाँ दो टोलियों में बट जाती हैं। कुछ इसी तालाब में डिकी रहती हैं, तो कुछ तालाब को छोड़ने की बात करती हैं, और कुछ ईना मीना के साथ तालाब को छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन मछुआरे अपनी योजना के मुताबिक तालाब के पास आते हैं
और सारी मछलियों को लेकर चले जाते हैं। मुसीबत आने पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बार एक जंगल में बहुत ही सुंदर हाथी रहता था। उसके सुंदर लंबे लंबे नोकीले और सफेद दांत सभी को बहुत अच्छे लगते थे। हाथी खुद भी अपने दांतों को बहुत पसंद करता था। पानी से उन्हें रोज नहलाता, उन्हें रोज चमकाता। जो भी उसके दांत देखता उसकी बहुत तारीफ करता। एक दिन वो आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, ये जो इतना सुंदर हाथी है, क्यों ना इसे आज जाल में फंसाकर इसके दांतों को काट लें? बाजार जाकर बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। चलो जाल बिछाकर हाथी को पकड़ लेते हैं। दोनों शिकारियों को बात करते हुए हाथी के दोस्त खरगोश और लोमड़ी ने सुन लिया। लोमड़ी ने खरगोश से कहा, अरे ये सुना तुमने? खरगोश, हमें कुछ करना होगा, अपने दोस्त हाथी की जान बचानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम दोनों शेर के पास चलते हैं। हम दोनों इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी करो, जल्दी करो। दोनों लोमड़ी और खरगोश भागते हुए राजा शेर के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। क्या बात है, क्यों आए हो? अच्छा ऐसा, चलो मेरे साथ। लोमड़ी, खरगोश और शेर हाथी की जान बचाने के लिए तुरंत भागने लगे। जैसे ही राजा शेर वहां पहुंचा, उसे देख दोनों के दोनों शिकारी भाग खड़े हुए। चूहे की मदद ली गई और जाल को काट दिया। हाथी इस बात से बहुत खुश हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा ली और मेरे दांतों की रक्षा भी की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर वो सब दोस्त आपस में जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद वे चारों जंगल में मिलजुल कर रहने लगे, लोमड़ी और कौआ। एक बार कालू कौए को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौए पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वो वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौआ पूरे जंगल में नहीं है और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो, तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मन घड़न तारीफ कर रही थी। बेचारा कालू अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही दयालु था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शहर से शिकारी शिकार करने के इरादे से वहाँ आते थे।
एक दिन शिकार के दौरान शेर को शिकारी का तीर लग गया, पर इससे पहले कि शिकारी शेर को पकड़ पाते, वह भागकर किसान के घर के आगे बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान ने जब घायल शेर को देखा तो उसने शेर की मरहम पट्टी की और साथ में भोजन भी कराया। कुछ दिन बाद जब शिकारी दोबारा जंगल में आए तो वह उसी शेर को पकड़ने में कामयाब हो गए। हमें शहर तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, शेर तो मांसाहारी होता है, क्यों ना इसे जंगल से कुछ शिकार करके खिला दें? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी शिकारियों की नजर लकड़ियां काटते हुए एक किसान पर पड़ी। यह वही किसान था जिसने शेर की मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। शिकारी ने जबरदस्ती किसान को पकड़ा और शेर के पिंजरों में डाल दिया। सुनो शेर, अब यही तुम्हारा भोजन है, इसे खाओ। शेर बहुत गुस्से में था और भूखा भी, लेकिन जैसे ही वह किसान के पास पहुंचा, उसने किसान को पहचान लिया और उसे चाटने लगा। एक इंसान और जानवर की ऐसी अद्भुत दोस्ती देखकर शिकारी हैरान रह गए और उन्होंने उन दोनों को आजाद कर दिया। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। समझदार बकरी। बहुत समय पहले एक जंगल में एक मगड़ू नाम का भेड़िया रहता था। वह काफी दिनों से जंगल में पानी तलाश रहा था। पानी ना मिलने से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ना जाने मुझे कब पानी मिलेगा और कितना चलना पड़ेगा। अब भी अगर पानी ना मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगा। हे भगवान, कुछ मदद करो। थोड़ी देर में आगे चलकर उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं देख मगड़ू बहुत खुश हो जाता है। वह पूरे जोश के साथ कुएं के पास पहुंचता है और उसमें छलांग लगा देता है। मगड़ू को पानी के साथ साथ एक बकरी भी दिखाई देती है। मगड़ू अब और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो पानी के साथ साथ खाना भी मिल गया। बकरी मगड़ू को देखकर डर जाती है। वह सोचने लगती है कहीं भेड़िया उसे मारकर खा न जाए। मगड़ू पानी पीने लगता है। आहा, कितना मीठा पानी है, मजा आ गया। मगड़ू पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। जब वह पानी पीने के बाद कुएं को ध्यान से देखता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैंने तो सोचा ही नहीं कि कुएं से बाहर कैसे निकलूंगा। मगड़ू कुएं से निकलने के लिए छलांग लगाता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। थक हार कर वह डरी और सहमी हुई बकरी को देखता है और सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, पहले इस बकरी को खा लेता हूँ, कुएं से बाहर निकलने की तरकीब तो बाद में भी सोच लूंगा। बकरी अपनी जान बचाने के लिए भेड़िये से कहती है, भेड़िये भैया, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? और नहीं तो क्या, कोई बेवकूफ ही तुम्हारे ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास इस कुएं से निकलने के लिए एक तरकीब भी है। भेड़िये भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, सच में, नहीं तो रात में तुम भी यही ठंड से मर जाओगे जैसे मैं ठंड में थी पूरी रात यहाँ। कैसी तरकीब, बताओ। भेड़िये भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं जल्दबाजी में कुएं में कूद गई थी। बाद में मुझे समझ आया कि यह कुआं बहुत ही गहरा है। बहुत समय यहाँ बिताने के बाद मैं समझ पाई हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे और फिर तुम्हें भी किसी की सहायता पड़ेगी बाहर निकलने के लिए।
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पीठ पर चढ़कर छलांग लगा दो और बाहर चले जाओ। बाद में मुझे रस्सी डालकर बाहर निकाल लेना। मगरू ने सोचा, यह बकरी बात तो सही कह रही है, अगर इसे खा लिया तो बाहर कैसे निकलूंगा, और वैसे भी इसे तो मैं बाहर निकाल कर भी खा सकता हूँ। तुम सही कह रही हो, हम एक दूसरे की मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। बकरी पैर को दीवार से टिका लेती है। मगड़ू पूरी ताकत के साथ कुएं से छलांग लगा देता है। कुएं से बाहर आकर मगड़ू बकरी के लिए रस्सी का इंतजाम करता है और रस्सी डालकर बकरी को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही मगड़ू बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चालाक बकरी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया भाई, तुमने मुझे खाने की जगह मेरी बात मान हम दोनों की जान बचा ली। आप बहुत अच्छे और दयावान भी हो, आप मुझे खा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मगड़ू को बकरी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जाने अनजाने में उसने किसी की मदद जो की थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरी नियत बदले तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, समझदारी के साथ शत्रु का सामना करना चाहिए और उसको मित्र बना लेना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।